धीरे धीरे देखिए कि 12 बजे रात में 2 बजे रात में घर में घुस जाता था बुड्ढे, और घर में घुस के मेरे साथ ऐसा व्यवहार गलत करने का कोशिश करने लगते थे तुरंत, जैसे कि बदन को टच करना, कपड़े हटाना। मैं बता दूं आप लोगों को कि हमेशा जो है लड़के गलत भी नहीं होते हैं। अगर प्यार किए, मोहब्बत किए, शादी किए, उसके बाद अगर लड़की भी अगर गलत होती है, अगर लड़का लड़की को छोड़ देता है तो उनको बेवड़ा दिखने लगता है और ना जाने कितनी सारी खामियां उसमें दिखने लगती है। शादी किए तो जिससे हम शादी किए हैं वे एकदम अनपढ़ गंवार थे, उससे हमको कोई मतलब नहीं था। फिर जाति भी, और शादी करने के बाद में इतना बेवड़ा पीना खाना हर रोज़ पी के आना, और मतलब मेरे साथ ऐसा बातें करते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और हम उस समय 9th क्लास में पढ़ते थे कि मम्मी जी ऐसा ऐसा बात है, मतलब पापा जी जाकर ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं, ये सब बहुत बिल्कुल गलत बात है, हम अभी आपको लड़का को फ़ोन करके बताते हैं। तो बोलती थी अच्छा ये बताओ तुम गलत थी तो मेरा बेटा को फंसा के शादी कर लियो, तो अब ये भी गलत हो गया, अब इसको भी फंसाना चाहती हो। मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। आजकल जो है सोशल मीडिया पे प्यार मोहब्बत की ही कहानियाँ चल रही है, और मतलब हर जगह के लोग जो है अब उभर के आ रहे हैं जिनके साथ ऐसी परेशानी है, चाहे घर परिवार का हो या फिर पति से रिलेटेड हो या फिर बॉयफ्रेंड से रिलेटेड हो, सब अब बाहर निकल के आ रही हैं और अपनी बातों को मीडिया के सामने रख रही हैं। हमारे साथ जो महिला देख रहे हैं, ये महिला का भी आरोप कुछ ऐसा ही है, प्यार मोहब्बत में पड़ी, शादी वादी की, उसके बाद इनका आरोप है कि इनके जो है घर परिवार और यहाँ तक कि सास ससुर भी इनके साथ गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है ये जानना चाहेंगे। मेरा नाम शारदा देवी है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं छपरा जिला की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या आपकी शादी कब हुई थी? 2013 में हम शादी किए थे, लव मैरिज। लव मैरिज कितने दिनों का लव था? सिर्फ 2 महीने के था। 2 महीने का प्यार था? अच्छा, 2 महीने बाद ही आप शादी कर लिए उससे? हाँ। मतलब 2 महीने में कैसे, मतलब 2 महीने का किसी पे कैसे भरोसा कर लिए आप? भरोसा यही मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं हम कैसे करके आज वो नतीजा है जो सामने है। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है ना? पूरी 100% 100% मेरी गलती है। अच्छा, शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद जो होना चाहिए यही मार पीट और घर से बेघर करना, बच्चे आज जन्म धरती पे लाकर इधर उधर करना, और जो हस्बैंड जिससे प्यार करके सारी दुनिया से बदनाम हुए आज वो दूसरे शादी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आपके पति दूसरा शादी कर रहा जी है। हाँ। आपका रिलेशन कितने दिनों बाद खराब हो गया? मेरे रिलेशन तो बस जब से शादी किया 1 महीने बाद से ही मार पीट, ऐसे कब लगा ही नहीं कि हम लोग का रिलेशन कब प्यार से गुजरा और कैसे, पता ही नहीं चला, बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते, 3 बच्चे भी आ गए, पता नहीं ऐसे लड़ते झगड़ते। अच्छा, मतलब 2 महीने बाद जो है शादी किए, 2 महीने बाद प्यार किए, शादी किए, उसके बाद से आपका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। बस इसमें आपकी भी तो कोई गलती रही होगी। गलती क्या रहेगी बताइए, वो जो अब शुरुआत में शादी करके गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अब 14-15 साल का मेरा उम्र था, और जो पीने हमको तो पता, वो ड्राइवर थे, जो मेरा हस्बैंड जो वो ड्राइवर थे, और वहाँ बाद हम तो मेरा घर में कोई पीता खाता नहीं, तो मेरा हम बहन में अकेले हैं और भाई मेरा अकेला है और पापा भी अकेले हैं, जैसे मेरा चाचा उचा नहीं है लोग, तो हम पीने खाने वाला इंसान कभी नहीं देखे थे, हम शुरू से कलकत्ता में ही रहे हुए हैं, बिहार बहुत कम रहते थे, तो पीने खाने वाला इंसान से पता नहीं था। जब उससे शादी किए तो जिससे हम शादी किए हैं वे एकदम अनपढ़ गंवार थे, उससे हमको कोई मतलब नहीं था। फिर जाति भी, और शादी करने के बाद में इतना बेवड़ा पीना खाना हर रोज़ पी के आना, और मतलब मेरे साथ ऐसा बातें करते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और हम उस समय 9th क्लास में पढ़ते थे, उन्हीं के लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ के और उनके साथ ये। देखिए एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि हमेशा जो है लड़के गलत भी नहीं होते हैं। अगर प्यार किए, मोहब्बत किए, शादी किए, उसके बाद अगर लड़की भी अगर गलत होती है, अगर लड़का लड़की को छोड़ देता है तो उनको बेवड़ा दिखने लगता है और ना जाने कितनी सारी खामियां उसमें दिखने लगती है। खैर, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है इसमें, वो हमको नहीं पता है। अच्छा, आप बता रहे थे आप अपने ससुर जी पे भी लांछन लगा रहे थे, क्या कुछ है? देखिए, शादी के 1 महीने बाद तो मेरा पति का असली रंग हम देख लिए हैं। क्या रंग देखा आपने? देखिए, यही कि मारपीट में रोज़ पी के खाना, दारू शराब पी कर आता था और मेरे साथ बदतमीजी जैसा इधर उधर मारपीट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोई बात पर तुरंत गुस्सा हो जाना, हाथ छोड़ देना, तो हम बोले ये क्या है, मतलब सासू उस समय में तुरंत में नना से तो कभी दिक्कत था ही नहीं, सास से भी झगड़ा नहीं होता था, हालांकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पति शुरुआत में पी खा कर आना, और पता नहीं ये नहीं सोचते थे कि हम अभी 10 दिन हुआ शादी का, 1 महीना हुआ, मैं इसके साथ कैसे, हाथ तुरंत छोड़ देते थे, कोई बात में तुरंत हाथ छोड़, हम बोले हम तो गए जो भी किए अब उसका पछतावा तो बहुत आगे चल के परिणाम मिलने वाला है, फिर भी समझ गए। शादी झगड़ा झंझट करके वो बाहर कमाने चले गए, जहाँ से आए थे वो गुजरात चले गए, गाड़ी चले। कितने दिनों बाद गए? 1 महीने बाद चले गए, शादी के 1 महीने। हाँ, शादी के 1 महीने बाद चले गए।
उसके आते थे बीच बीच में, हाँ सुनिए ना, हाँ आते थे। और उसके बाद दो, उनका घर झोपड़ी के था, तो वो बाद में हम तो पर्दे एक डाल के सोते थे, दो नाना थी, एक देवर थे और सासू माँ और ससुर थे। दो तीन महीने बाद जैसे बीतने लगा तो ससुर भी पीने खाने वाला है, ठीक है, पता नहीं वो क्या बोलते, एक जो शराब होता है उसका नाम नहीं जानते हैं, वही हर रोज पीना है उसको। अब पी के मतलब कोई ये नहीं सोचता है कि पतो वाला घर है तो किस तरीके से बातें करें, किस तरीके से द्वार पे रहें, लोग जितना भी बदमाश होता है लेकिन बेटी पतो को होने से थोड़ा अपना कंट्रोल कर लेता, लेकिन वो ऐसा मेरा ससुर किया नहीं। हर गाली गलौज तो सुनते ही थे, घर में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे देखे कि 2 बजे रात में घर में घुस जाता था बूढ़े, और घर में घुस के मेरे साथ ऐसा व्यवहार गलत करने का कोशिश करने लगते थे तुरंत, जैसे कि बदन को टच करना, कपड़े हटाना, तुरंत उठ के हम मतलब हमें गुस्सा तुरंत बर्दाश्त, आपकी सास कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए हम बता तुरंत गेट से निकल के पर्दे हटाकर बोलते देखिए मम्मी जी ऐसा ऐसा बात है, मतलब पापा जी जाकर ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं, ये सब बहुत बिल्कुल गलत बात है, हम अभी आपको लड़का को फोन करके बताते हैं। तो बोलती थी अच्छा ये बताओ तुम गलत थी तो मेरा बेटा को फंसा के शादी कर लियो, तो अब ये भी गलत हो गया, अभी इसको भी फंसाना चाहती हो, तुम्हारा कैसे दिमाग है बताओ, मतलब बहुत गलत साबित, लड़ने लगती थी, हम भी लड़ने लगते थे, धीरे धीरे गांव समाज भी जुड़ जाते थे सुबह शाम, तो लोग यही कहते थे कि बताओ ये खुद गलत है, अगर अच्छी होती तो भाग पड़ा के तो शादी नहीं करती, और इसके बाद ऐसा देवता समान को फंसा रही है तो तुम्हें पाप लगेगा, ये लगेगा, मतलब उसका गाँव वाला बोल बोल के हमें पड़ता, हरकत वही रहता था। फिर हम लोग शांत होते थे, फिर 2 दिन बाद वही ड्रामा करते करते हमने उसको बताया, हस्बैंड को ऐसा नहीं शुरुआत में ही बता दिए थे फोन में कि, तो वो बोला ठीक है हम घर पे बात करके, किसी को इधर उधर बताना नहीं, अपने घर पे भी नहीं बताना, हम घर पे बात करने लगे थे, घर पे नहीं बताना, हम बाप से अपना बात करते हैं, बोले कि अगर बात नहीं करेंगे तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, वो बोले नहीं समझते हैं। उसके बाद वो घर पे आए तो काफ़ी उन लोग में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटा में खूब मारपीट होता है, ठीक अभी भी होता है, पहले भी मेरे साथ भी थे तो होता था। उसके बाद लड़ाई झगड़ करके मुझे बाहर लेकर चला गया मेरा पति, वहाँ पे 6 साल रखा है, मतलब 6 साल में मतलब आया जाया करते हैं, ऐसा नहीं कि बसी गए जाकर वहाँ पे। 2 बच्चे मेरा वहाँ जन्म हुआ था और 1 बच्चे बिहार में जन्म हुआ था। उसके बाद में भी जब हम बोलते वहाँ खर्चा नहीं बचता था तो यहाँ आते थे, तो यहाँ घर पे रहते थे, तो फिर उसका बाप का वही हरकत रहता था। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीता है। आप अपने पति के साथ ही रहते जब, मतलब वहाँ बाहर में गए तो उन्हीं के साथ में रहते थे, तो फिर यहाँ आते ही नहीं जब इतनी प्रॉब्लम थी, और आपके पति जब समझ रहे थे कि उनके पिता गलत हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है, परेशानी दिक्कत सिक्कत तो होता ही, लेकिन अपना संसार कोई भूल नहीं जाता है और सोचता है कि आज नहीं तो कल सुधर जाए, अपना घर का बात है, कोई ऐसा मुँह तोड़ लगा, हम ही शादी किए हैं, अगर मेरा मम्मी पापा रूठ जाए तो फिर, अगर हर आदमी एक एक गलती से अगर हर इंसान दूर हो जाए तो कोई अपना। आपने ये कौन सा पेपर है आपके पास, ये सब जो कागज जहाँ जहाँ हम आवेदन दिए हैं, जहाँ जहाँ पहुँचे भटके हैं और मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला है। आपकी आपकी बातें आपके माता पिता से होती है? हाँ तो ये सब बात आप अपने माता पिता को नहीं बताए? हम अपने मम्मी पापा को बताए, मेरा मम्मी पापा बहुत सपोर्ट भी किए हैं, हालांकि मेरे समाज गांव के नैहर के लोग जो होते हैं लेकर गए हैं, तो वहां पे मेरा पापा को मारने की मतलब घेरा गया, मेरा ससुर उठा रहा है ये सब डंटे की उठाओ मारेंगे ये करेंगे, तो कोई मेरा गाँव समाज के नहीं जाना, क्योंकि एक तो हम गलत किए थे और मायके के लोग तो ऐसे भी लड़की जब चली जाती है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी हालांकि मेरा साथ लोग दिए हैं, ऐसा नहीं है, मेरा मम्मी पापा भी साथ दिए, मेरा समाज के भी दिए, लेकिन उन लोग का हरकत की वजह से कोई नहीं, काफी हम लोग का दूर भी है, छपरा जिला और मुजफ्फरपुर जिला में बहुत दूर है। थाना पुलिस में कंप्लेंट? जी हाँ, थाना प्रशासन के पास बहुत बार जाकर बताया अपने समस्या, मेरा ससुर ऐसे करता है, मेरा पति वैसे करता है, तो ये तो नहीं पता था कि हमको आवेदन देकर केस करना होता है। अच्छा ठीक है जाइए, आते हैं, अच्छा ठीक है सुबह आइएगा, ठीक है शाम, ऐसे कर करके हमें कितने दिन से मतलब भटकाए जा रहा है, कम से कम बहुत समय से, अब समझ सकते 10 साल और ऐसे नहीं भटक रहे हैं। देखिए जब इन तरह की परेशानियाँ होती है, अगर पति भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सीधा वहाँ से लोग हट जाना पसंद करता है, लेकिन आप जिस तरीके की बातें बता रही है, अब आपकी बातों में कितनी सच्चाई है वो हमें तो नहीं पता, और एक पक्ष की बात सुन करके हम जज भी नहीं कर सकते हैं। ये इनके पास पेपर है, हालांकि थाना पुलिस में इन्होंने कंप्लेन किया है, और इनकी बात में कितनी सच्चाई है, और ये इनके पति कितने ज़िम्मेदार हैं, या इनके ससुर जी कितने ज़िम्मेदार हैं, या फिर इनके ससुराल वाले कितने ज़िम्मेदार हैं, वो उसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।